press the bell icon on the YouTube app. सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे आपको बेडरूम बनाना छोटा साइज हो, जैसे बेडरूम आपका 15x15 का या 12x12 का अगर होता है आपका, तो छोटा बेडरूम जो होता है तो उसमें किस तरीके से आप अपना वार्डरोब बना सकते हैं और किस तरीके से बेड बनाना है आपको, उसमें मैं आपको डिजाइन बताऊंगा किस तरीके से बना सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो में चलते हैं, ये देखते हैं अपना वार्डरोब है, इस तरीके से बना सकते हैं वार्डरोब। ये देखते हैं, ये जो साइज है 3 फुट इसकी चौड़ाई है और अपना इसकी जो हाइट है 10 फीट है, ऊपर तक 10 फीट है, नीचे आप देख सकते हैं। इसमें इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं, अपना ग्रुप देकर माइका का इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे आपका माइका होता है, जैसे आपका मार्बल रूफिंग में होता है, तो इस तरीके से जैसे आपको ग्रे कलर लगाना, तो इस तरीके से दे सकते हैं। तो इसमें जो आपको ये गैप बनाना होता है, इसमें कम से कम 2 mm का गैप देना होता है, इसमें जो हमारी माइका होती है वो बढ़ जाती है, जैसे बोर्ड बढ़ जाता है, तो उसमें आपको कील का कम से कम गैप देना होता है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं डिजाइन माइका। तो ये अंदर डिजाइन में दिखाता हूँ आपको, ये अंदर का डिजाइन है, ये देख सकते हो आप, ये अपना अंदर का डिजाइन इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको कोट टांगना है तो कोट टांगने के लिए ऊपर इस तरीके से बना सकते हो। ये कोट की जगह आप 42 इंच 40 इंच इस तरीके से दे सकते हो, नीचे अपना 15 इंच के इस तरीके से बना सकते हो, ये हाइट 30 इंच दे सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये अपना 7 फीट हाइट में है, 2 डोर लगे हुए, तो आपके ऊपर बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं आप, या अपना इस तरीके से खड़े दे सकते हैं, जो सामान अपना बड़ा सामान होता है उसमें आसानी से रख सकते हैं आप। और मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ, ये अपना आप देख सकते हैं बेड, इसकी जो इसकी लेंथ है 10 फीट, इस तरीके से बना सकते हैं, और इसकी जो हाइट है 5 फीट है नीचे फर्श से, और आप इस तरीके से साइड टेबल बना सकते हैं। ये अपना साइड टेबल की जो गहराई है 14 इंची है और उसमें 8 इंची की डोर है, ऊपर अपना इस तरीके से पट्टा निकाल सकते हैं, जिससे अपना कोई सामान रखा हो वो दराज के अंदर नहीं गिरे, तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। पास में आकर दिखा दो, बना सकते हैं इस तरीके से, बना सकते हैं जो अपना सामान जैसे कुछ भी हो, सामान नीचे अंदर दराज पर नहीं गिरता है, ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें ये डिजाइन है, ये गोपाल जी का बैठ जी, तो इस तरीके से डिजाइन देख के बना सकते हैं आप। ऐसा डिजाइन बनाना आपको, तो ये जो अपना देख रहे हैं इस तरीके से आपको बनाना होता है, ये 8 इंची ड्रोर है और इसमें अपना कोप इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, ये देख रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से बना सकते हैं। और इसका जो साइज़ है बेड का, जो हमारा साइज यहाँ से यहाँ तक है आपका 6 फिट बाई 6 फिट है, ये लंबाई भी 6 फिट, चौड़ाई भी 6 फिट, अंदर अंदर है, ये हमारे गद्दे का साइज है, ये गद्दे का जो साइज है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और इसकी जो हाइट लेनी है आपको, तो 15 इंची आप हाइट में बना सकते हैं इस तरीके से, ये डबल करो, इसमें जो अपना इस तरीके से माइका लगा सकते हैं, डबल बोर्ड करके इस तरीके से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो नोटिस आपको मिले।